रानी किचन में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा, जिससे हम कोरोना से लड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पर चढ़ा दिया है एक पैन। पैन में मैं डालूँगी 4 गिलास पानी। आपके घर में जितने लोग हैं फ्रेंड, उसके हिसाब से आप पानी इसमें ऐड करें। मैं 4 गिलास पानी ऐड करी इसमें। देखिए मैंने इसमें 4 गिलास पूरे पानी डाल दिया है। अब मैं गैस को ऑन कर दे रही हूँ और हमें इसे हाई फ्लेम पर पकाना है फ्रेंड। पानी को पहले 2021 का कोरोना फ्रेंड बहुत ही तेज़ी से पूरे विश्व में ये फैल रहा है, तो इसे बचने के लिए आप ये काढ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर बनाकर घर पर पिएं, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा है, बुखार और जकड़न में काफ़ी कारगर है ये काढ़ा, तो आप ज़रूर एक बार बना करके घर पर पिएं। तो देखिए पानी हमारा थोड़ा थोड़ा ये उबलने लगा है। सबसे पहले मैं डालूंगी ये दालचीनी। मैंने इस तरह का 2 टुकड़ा दालचीनी लिया है, इसको छोटा छोटा करके मैं इस तरह से डालूंगी फ्रेंड, इस तरह से छोटा करके डालना है दालचीनी। मैंने डाल दिया, मैंने लिया है यहाँ पे 5 लौंग, इसे भी मैं डाल दूंगी इसमें। 2 इलायची लिया है फ्रेंड, इसे हम तोड़ करके डालेंगे इस तरह से, इस तरह से तोड़ के डाल दूंगी इसमें। मैंने यहाँ पे 10 से 12 काली मिर्च ली है, इसको हम थोड़ा सा दरदरा कूट करके डालेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से दरदरा कूट लिया है, इसको डाल दे रही हूँ इसमें। मैंने लिया है यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी हम ग्रेट कर देंगे इस तरह से। मैं ग्रेट करके इसमें डाल दूंगी। देखिए मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, इसको डाल दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे 20 तुलसी का पत्ता लिया फ्रेंड, मैं इसको इसमें डाल दे रही हूँ। अब मैं डाल दूंगी इसमें गुड़। अब मैं डालूंगी इसमें 1 चुटकी हल्दी। आप अगर कच्चा हल्दी मिले तो आप उसे डाल दें, वो बहुत फायदा करता है। मेरे पास नहीं है तो मैं इसको डाल दे रही हूँ। इसे हम हाई फ्लेम पर पकने देंगे फ्रेंड, जब तक ये काढ़ा हमारा आधा ना हो जाए। यानी कि मैंने 4 गिलास पानी इसमें ऐड किया है, तो हमें 2 गिलास पानी इसमें रखना है। इसे हाई फ्लेम पर मैं उबाल दे रही हूँ। काढ़ा तो आप बहुत बार पिए होंगे फ्रेंड, पर इस तरह से आप एक बार काढ़ा बनाकर देखिएगा। सूखी खांसी, गले में खराश, जकड़न सब कुछ ये बढ़िया कर देगा काढ़ा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद काढ़ा है फ्रेंड, इसे आप एक बार बनाकर जरूर देखिएगा घर पर। और प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट करिए मेरे वीडियो को। काढ़ा देखिए फ्रेंड बन करके तैयार हो गया है, तो मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इसे छान ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड काढ़ा थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मैंने लिया है 1/2 नींबू, इसको मैं इसमें निचोड़ दूँगी, क्योंकि कोरोना में नींबू का काढ़ा पीना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। देखिए मैंने इसमें निचोड़ दिया, अब इसे छान लेंगे। काढ़ा को छान लेना है। ये देखिए काढ़ा मैंने छान लिया। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा काढ़ा बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ये काढ़ा है, इसे आप घर पर एक बार ज़रूर बनाकर पीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद है कोरोना काल में। तो आज का आपको हमारा काढ़ा का रेसिपी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।